Hello everyone. Hope you all are doing well. मैं भी well हूँ लेकिन थोड़ा tired हूँ इसके लिए ऐसे पड़ी हूँ. और happy weekend to all of you. Tired इसलिए हूँ क्योंकि ना बहुत tied up schedule चल रहा है. भीग भीग के बाहर बारिश भी होती है तो भीग भीग के भाग भाग के काम करना पड़ रहा है बारिश में. कभी look test तो कभी ये तो कभी वो कभी shoot कभी भागम दौड़ी चालू है. टच शूट बाय गॉड्स ग्रेस लाइफ में काम चालू रहना चाहिए सबका है ना. तो जो भी है आज फ्री हूँ तो सोचा आपके नाम कर दूँ आज का दिन. स्टे ट्यून्ड विद मी. सब्सक्राइब टू फैशन एंड फाइनरी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. आज हमारा खाना बाहर से मंगाया गया है और लंच में हम खाने वाले हैं ये चिकन चिली और जीरा राइस. ये बाहर से मंगाया है और घर की ये रोटी है ये भी खा लेंगे. मैंने चिकन मसाला बोला था चिकन चिली भेज दिया. ये रेस्टोरेंट वाले भी ना क्या करते हैं चलो जो भी भेजा खा लेंगे अभी. और आज खाना बनाने का छुट्टी है क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ बहुत और मेरी माँ ना कल से बीमार है उनको बुखार आया है मतलब आया था कल. और मैं कल काम से बाहर जाने से पहले सारा पता है कल मैं गृहिणी बन गई थी. पूरा घर का सब काम जो भी होता है किचन में खाना प्रिपेयर किया मैंने लंच प्रिपेयर किया किचन का सब काम किया. उसके बाद टाइम पे हम दोनों माँ बेटी लंच किए. मम्मी लंच करके दवाई लेके सो गई और मैं लंच करके तैयार होके निकल गई. लेट नाइट आई थी नहाई थी तो थोड़ा नाक के अंदर सुरसुर सुरसुर हो रहा है सर्दी से. क्योंकि मेरी ना आदत है मैं कभी भी बाहर जाऊँ ना कितने बजे भी आऊँ चाहे मैं रात को 1 बजे आऊँ 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ कितने भी बजे मैं घर आऊँ मेरी आदत है मैं नहा के फ्रेश होके फिर सोती हूँ. क्योंकि पोल्यूशन पसीना वो सब लेके बेड पे जाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो मैंने सोचा कि आज तो मैं खाना बनाने के मूड में नहीं हूँ हालत में नहीं हूँ बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ तो क्यों ना बाहर से ही मंगा लें. हम दोनों आज खा के मस्त आराम करेंगे टीवी देखेंगे लेट लेट के यही प्लान है आज हमारा. और घर में कोई सब्जी भी नहीं है मालूम है कोई फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है. आज सब्जी भी लाना है बनाते तो बनाते क्या बनाने के लिए मार्केट जाना है सब्जी लाना है. मैं उठी भी लेट हुआ आज टाइम नहीं है कि मार्केट जाओ सब्जी लेके आओ. मैं बोली चलो आज बाहर का खाना खाते हैं हम लोग. इतना जुकाम हो गया ना मुझे इसका कोई हद नहीं है कंटिन्यू नाक बह रहा है. ये चूहा इसको देखिए मैंने ना नीचे गेहूँ चावल रोटी सब टुकड़े डाले हैं और ये इसका आना जाना सारे जमा कर रहा है ये लेके जा के अपने बिल के अंदर. बिल में जहाँ पे रहता है ना ये उसके अंदर सब जब तक कि दाना पूरा यहाँ से ख़त्म नहीं होगा और उसके बिल में जाके जमा नहीं कर लेगा तब तक उसका ऐसे अंदर और बाहर करता रहेगा. रोटी के टुकड़े कुछ डाले हुए हैं मैंने कुछ गेहूँ कुछ चावल डाले हैं ज्वार बाजरा भी डालती हूँ. रोटी के कुछ टुकड़े डाले हुए हैं मैंने और गेहूँ और चावल डाला है ज्वार बाजरा भी डालती हूँ लेकिन ख़त्म हो गया. ज्वार भी लाना है बाजरा भी लाना है तो इसका ना रोज़ का काम है. जब तक यहाँ से सारा ख़त्म नहीं होके उसके जहाँ होल के अंदर जमा नहीं कर लेता सब तब तक उसका ऐसे अंदर बाहर करता रहेगा. वो एक बार यहाँ से लेगा सारा उठा उठा के बिल में जाके डालेगा फिर आएगा फिर उठाएगा फिर बिल के अंदर जाके डालेगा. पता है कौन सा प्लांट है मालूम है ये हल्दी का प्लांट है. मम्मी ने लगाया था इतना छोटा सा ही लगाया था और इतना मतलब हल्दी की जो गांठ आती है ना वो गांठ मिट्टी के अंदर डाल के टब में लगाया था और इसका प्लांट इसके पत्ते बढ़ते जा रहे हैं टचूर बढ़ते जा रहे हैं. देखिए कितना बड़ा हो गया. थोड़ा सरसों तेल का मालिश किया नाक पर और अच्छा थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है. अभी बारिश तो ज़ोर से आने वाली है लेकिन मुझे बाहर भी जाना है अभी देखते हैं फिर से भीगना पड़ेगा. देखिए मौसम का हाल बता रहा है कि ज़ोरदार बारिश आने वाली है. इनफैक्ट बारिश आ चुकी है और यहाँ जो चूहा भाई साहब है इनका अभी भी चालू है. ये आ रहे हैं जा रहे हैं और जितनी भी रोटी मैंने डाली थी पूरी एक रोटी डाली थी सब लेके जाके होल के अंदर जमा किया है. मुझे नहीं लगता एक भी गेहूँ एक भी चावल ये छोड़ने वाले हैं. अरे भैया कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो. प्रोविजन स्टोर कर रहा है ये खुद. अगर इतना इसका होल कितना बड़ा होगा कि सारा खाना वो अगर होल के अंदर रखेगा. देखिए बारिश हो रही है ज़ोरदार लेकिन उसको
फिक्र नहीं है, उसको सब लेके जाके जमा करना है। भीग भीग के भी प्रोविजन स्टोर कर रहा है वो। पेट क्या चीज है, भूख क्या चीज है। भागा, अब शायद नहीं आएगा बाहर। तो पहले आधी रोटी मैंने डाली थी, वो पूरा उसने अंदर जमा किया है लेके जाके, फिर मैंने आधी डाली वो भी जमा किया है, बाकी पंछियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा है वो। अब शायद नहीं आएगा, बारिश स्टार्ट हो गई है ना ज़ोर से, अब नहीं आएगा। और खाली भी हो चुका है, अब क्या बचा ही क्या है। अगर जब तक इसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे खाना दिया हुआ है, तब तक दूसरों को खाने मिलता है, यानी कि कबूतर, कौवा, स्पैरो, फिर वो स्टॉलिंग, जितने भी बर्ड्स हैं ना सब आते हैं यहाँ खाने के लिए। फिर गिलहरी, स्क्विरल, स्क्विरल भी आते हैं। हाँ, दो स्क्विरल्स हैं, दोनों आते हैं। लेकिन अगर इसको जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक दूसरों को खाने को मिलता है। एक बार इसको पता चल गया कि खाना लगा हुआ है, तो किसी और को नहीं खाने देगा। जब तक यहाँ पूरा खाली नहीं होगा और उसका होल जब तक पूरा नहीं भरेगा, तब तक उसका ये भागम दौड़ी चालू रहता है। बहुत नॉटी चूहा है ये। चलो खैर, जो भी है, मुझे ये अच्छा लगता है कि घर में बैठे बैठे ही सेवा करने का मौका मिलता है मुझे। बालकनी से ही दाना डालती हूँ, तो इतने सारे लोगों के लिए काम आती हूँ मैं। ये अच्छा लगता है कि बाहर नहीं, जहाँ बाहर अगर गाय को खिलाना है और डॉगी को खिलाना है तो बाहर जाना पड़ता है, बाकी लोगों को बालकनी से ही खिला पाती हूँ। ये एक अच्छी बात है। मम्मी के लिए चाय बना ली है, ब्लैक टी, और मम्मी का ये फेवरेट बिस्किट है। उनको देख के फिर मेरी चाय बनेगी। एयरपोर्ट आपको ना अब मेरी वाली चाय बनेगी। दोनों दो टाइप की चाय बनती है ना, मम्मी की ब्लैक टी, मेरी मिल्क टी, जिसकी वजह से पहले मम्मी का बना लिया, फटाफट बन गई, उनको देके फिर मैं अपना बना रही हूँ। और ये मेरी बन रही है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मिल्क टी पीने से एसिडिटी होती है, मुझे ये सब कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। मतलब मुझे ना एसिडिटी, गैस की, इनडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है ना, तरीका आना चाहिए। अगर हमें तरीका आता हो ना, तो कुछ भी आप कभी भी खा पी सकते हो। टाइम पता होना चाहिए, कैसे खाए कैसे पिए वो पता होना चाहिए। मैं चाय पीने से पहले ना कभी भी एक गिलास दबा के पानी पी लेती हूँ, कभी भी बिना पानी पिए चाय पीती ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे चाय पीने से, दूध चाय पीने से कभी भी एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ना चाय की लत नहीं है। मिली तो मिली, नहीं मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह एक कप चाय पीती हूँ, शाम की जो चाय है वो ऑप्शनल है। कभी मन होता है, कभी नहीं होता। अभी सर्दी लगी है, मौसम ठंडा है, तो शाम की जो चाय है वो पीना अच्छा लगता है। गर्मियों में तो शाम को चाय पीती ही नहीं थी मैं, सुबह पी लेती थी, लेकिन शाम को छांस पीती थी, आप लोगों ने देखा ही था। और अभी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है ना, चाय पीने में बड़ा मजा आता है, इसके लिए शाम को भी चाय पी लेती हूँ। अगर नहीं भी पिया ना तो कोई बात नहीं, मुझे लत नहीं है चाय की। बहुत लोग होते हैं ना कि दिन में 5 कप 6 कप 7 8 10 कप भी चाय पी लेते हैं, वो गलत होता है। डॉक्टर्स कहते हैं आप दिन में 2 कप चाय पी सकते हो, एक सुबह एक शाम को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी चाय बन गई है। अब ये मेरी यम्मी यम्मी गरम गरम चाय। सरसों तेल ना बहुत मैजिकल चीज़ है। मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना जुकाम के मारे, वो मुझे ही पता है, लेकिन मालिश के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कभी जुकाम हुआ ना, सरसों तेल की मालिश करके देख लेना। हाँ, तेल लेकिन प्योर होनी चाहिए, अगर मिलावटी तेल है तो वो काम नहीं करेगा।